हेलो एंड वेलकम टू वी थ्री कार्स क्या आप जानते हैं कि टाटा के पोर्टफोलियो में सिर्फ दो ही कार्स हैं जिन्हें अभी तक ग्लोबल इनकेप ने टेस्ट नहीं किया हैरियर और सफारी अगर आप हैरियर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस कार का सबसे सूटेबल वेरियंट चूज़ कर पाएंगे हैरियर के वेरियंट्स एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जैसे कि इसके प्राइसेस, और ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए इस कार के बारे में सबसे पहले देखते हैं इसके अपडेटेड प्राइसेस लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 थ्री कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्ग रहेगा हेरियर के एंट्री लेवल एक्स ई वेरियंट का प्राइस अब 14.30 लाख रुपीस है पहले से 46,000 रुपीस ज़्यादा इसके एक्सएम एक्स टी और एक्स टी प्लस वेरियंट्स का प्राइस 47,000 रुपीस से इंक्रीज हुआ है और एक्सैड और एक्जेड प्लस वेरियंट्स का 52,000 टू से हेरियर के एक्सएम एक्सैड और एक्जेड प्लस वेरियंट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है और मैनुअल से ऑटोमेटिक की इंक्रीमेंटल कॉस्ट अराउंड वन लाख रुपीज़ है आप अभी टेबल में हेरियर के एक्स शोरूम डेली प्राइसेस देख सकते हैं हेरियर एक्सटी और एक्स टी प्लस वेरिएट्स में डार्क एडिशन और कैमोपैक्स भी आते हैं जिनकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ है एक्जेड और एक्जेड प्लस वेरियंट्स में इन पैक्स के अलावा डुअल टोन एक्सटीरियर कलर का भी ऑप्शन है और इन वेरिएंट्स में इनकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट नाइनटीन थाउजेंड रुपीज़ है चलिए अब हैरियर के इंजन स्पेक्स देखते हैं हेरियर का 2 लीटर डीजल इंजन 170 सेवेंटी की मैक्सिमम पावर 350 फिफ्टी मीटर की पीक टॉक प्रोड्यूस करता है हेक्टर में भी 2 लीटर डीजल इंजन आता है विथ एग्जैक्टली द सेम पावर एंड टॉक आउटपुट इन दोनों कार्स की पावर टू वेट और टॉक टू वेट रेशियो भी सिमिलर है इन कार्स में सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है और हेरियर की क्लेम फ्यूल एफिशियंसी हेक्टर से मार्जिनली बेटर हैरियर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है जो अभी डीजल हेक्टर में नहीं आता चलिए अब हेरियर के डायमेंशन चेक करते हैं डी टू सेगमेंट एस यू है एज फार एज लेंथ हाइट व्हील बेस एंड बुट स्पेस कंसर्न हेक्टर हैरियर से बड़ी है लेकिन हेरियर ज्यादा वाइड है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बेटर है। हैरियर में 16 और 17 इंच व्हील्स का ऑप्शन है वन साइज स्मॉलर देन हेक्टर चलिए अब हेरियर के वेरियंट वाइज फीचर्स देखते हैं हेरियर का बेस एक्सी वेरिएंट 14.30 लाख रुपीस का है स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा इस वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हिल स्टार्ट असिस्ट ट्रैक्शन कंट्रोल डे नाइट आई आर वी एम और प्रोजेक्ट हेडलैम्प जैसे फीचर्स आते हैं टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग एडजस्टमेंट पावर विंडोज और रियर एसीवेंट्स इस वेरियंट के नोटेबल फंक्शनल फीचर्स हैं इस वेरिएंट में डोर हैंडल्स और ओ ब्लैक हैं और इसमें 16 इंच व्हील्स मिलेंगे विद व्हील कवर्स इस वेरियंट में एल टेल लैम्प और डुअल फंक्शन डी आते हैं बट डी आर टाइप नहीं है हैरियर एक्सी के सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं ये वेरियंट एग्रेसिवली प्राइज्ड है लेकिन इसमें कई बेसिक फीचर्स मिसिंग हैं जैसे ऑडियो सिस्टम विथ स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स रिमोट सेंट्रल लॉकिंग इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ रियर वाइपर रियर पार्किंग कैमरा और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एट दिस प्राइस पॉइंट फीचर्स हैं और इनके ना होने की वजह से हम का अपग्रेड 1.32 लाख रुपीस का है और एक्सएम वेरियंट में मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अपग्रेड 1.25 लाख रुपीस का है एक्सएम वेरियंट में आपको फॉगलैम्प और रियर वाइपर जैसे अलावा सेवन इंच इन्फर्टेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा विद स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इस वेरिएंट के बाकी नोटेबल एडिशनल फीचर्स हैं मल्टी ड्राइव मोड्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ आर वी एम्स हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और बॉडी कलर डोर हैंडल्स आप इस वेरिएंट में एक्स ई के ऊपर ऐड हुए सभी फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन फीचर्स के लिए वन पॉइंट थ्री टू लाख रुपीज का अमाउंट काफी ज्यादा है तो एक्स ई वेरियंट के ऊपर एक्सएम वैल्यू फॉर मनी अपग्रेड नहीं है इस वेरियंट में कुछ मस्ट हैव फीचर्स आ जाते हैं जो बेस इस में मिसिंग है लेकिन फिर भी यह वेरियंट अपने प्राइस के अकॉर्डिंग काफी बेसिक है इसलिए हम रेकमेंड करेंगे कि आप हेरियर का कोई हायर वेरियंट ही कंसिडर करें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन केस में चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सटी वेरियंट में क्या एक्स्ट्रा आता है एक्सएम से एक्सटी वेरियंट का अपग्रेड 1.25 लाख रुपीज का है एक्सटी वेरियंट सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है इस वेरियंट में रियर वे पार्किंग कैमरा के अलावा इन्फोटेनमेंट सिस्टम में एप्पल कापले और एंड्रॉयड ऑटो के कनेक्टिविटी ऑप्शन भी आते हैं कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप ऑटो ए सी रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओ आर वी एम्स लंबर सपोर्ट फॉर ड्राइवर सीट और क्रूज कंट्रोल इस वेरियंट के नोटवर्दी एडिशनल फंक्शनल फीचर्स हैं एज फार एज स्टाइल इज कंसर्न सेवनटीन इंच एलॉय व्हील्स LED टाइप डुअल फंक्शन डी आर और सॉफ्ट टच डैशबोर्ड इंपॉर्टेंट एड ऑनस हैं। आप एक्स टी वेरियंट में XM के ऊपर एड हुए सभी फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग एक्स टी वेरियंट में एडेड फीचर्स एक्स एम के ऊपर अपनी इंक्रीमेंटल वैल्यू कंप्लीटली जस्टिफाई करते हैं हाउएवर ये वेरियंट भी एक्सई वेरियंट जितनी वैल्यू डिलीवर नहीं करता डैट साइड इस प्राइस पे एक्ससी और XM वेरिएंट्स के कंपैरिजन में XT वेरिएंट फीचर्स और वैल्यू का बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करता है सो वीड एटी थाउजेंड रुपीज का डिफरेंस है एक्सटी प्लस वेरियंट में सिर्फ पैनोग्रामिक सनरूफ एक्स्ट्रा आती है और हमारे अकॉर्डिंग इसके लिए एटी थाउजेंड रुपीज दिए जा सकते हैं लेकिन ये एक मस्ट हैव फीचर नहीं है इसलिए इसे लेना या ना लेना अप टू यू हमारे अकॉर्डिंग ये अपग्रेड करके इस कार का फील गुड फैक्टर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा एंड द प्रीमियम इज वर्थ इट चलिए अब एक्सैड वेरियंट की डिटेल्स देखते हैं हेरियर एक्स टी से एक्सैड वेरियंट का अपग्रेड 1.30 पॉइंट थ्री जीरो लाख रुपीज का है इस पेरियड में साइड एंड कर्टन एयरबैग्स एच आई डी प्रोजेक्टर हेडलैम्प और कॉर्नरिंग लैम्प जैसे सेफ्टी फीचर्स एड होते हैं एग्जेट वेरियंट में बड़ा 8.8 पॉइंट एट इंच टच स्क्रीन मिलेगा विद जे बी एल ऑडियो सिस्टम टेरिन रेस्पॉन्स मोड्स और सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट रियर सीट जैसे फंक्शनल फीचर्स के अलावा एग्जेट वेरियंट में ब्राउन इंटीरियर लेदर अपोल्ट्री और लेदर आप्ट स्टेयरिंग व्हील जैसे स्टाइल रिलेटेड फीचर्स भी एड होंगे इस वेरियंट में एक्स टी के ऊपर एड हुए सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं हरियर एक्स जेड में एडेड फीचर्स के लिए वन पॉइंट थ्री जीरो लाख रुपीज का अमाउंट कम्प्लीटली जस्टिफाई होता है तो XT के ऊपर XZ पे अपग्रेड कॉस्ट वाइज सेंसिबल है एडिशनल सेफ्टी फीचर्स की वजह से ऐसे बायर्स जो XT से XZ तक बजट स्ट्रेच कर सकते हैं उन्हें वेरिएंट जरूर कंसिडर करना चाहिए हायरियर ऑटोमेटिक के के केस में XM से डायरेक्ट XZ वेरिएंट का अपग्रेड है जिसके लिए आपको 2.55 लाख रुपीज स्पेंड करने होंगे XM के ऊपर XZ के एडिशनल फीचर्स ये वैल्यू कंप्लीटली जस्टिफाई करते हैं एंड वी थिंक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेने वाले बायर्स को एक्सैड पे अपग्रेड जरूर करना चाहिए चलिए अब देखते हैं टॉप एग्जेट प्लस वेरियंट की डिटेल्स। से प्लस का अपग्रेड के 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 आपको ऑडोडिमिंग आई आरवीएम पावर ड्राइवर सीट मशीन एलॉय व्हील्स और पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी सिंस पैनरा सनरूफ हाई वैल्यू फीचर है तो यह वेरियंट अपनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑलमोस्ट जस्टिफाई करता है ऑटो डिमिंग आर वी एम को छोड़ के इस वेरिएंट में एडिट बाकी सभी फीचर्स सिर्फ फील गुड या प्रीमियम फीचर्स हैं तो इस वेरिएंट पे अपग्रेड करना या ना करना यह आप पे डिपेंड करता है ये वर्ड एक मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के बायर्स के लिए एप्लीकेबल है चलिए अब हेरियर के सभी वेरियंट्स को सम अप करते हैं So that आपके लिए डिसीजन लेना हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भूलेंट so आपको बट इट मिसेज आउट ऑन सेवरल बेसिक फीचर्स वी एक्सपेक्ट फ्रॉम कार एट दिस प्राइस इसके ऊपर एक्सएम वेरियंट में कई बेसिक फीचर आते हैं बट इट डिफाइड इनक्रीमेंटल कॉस्ट इसलिए हमारे अकॉर्डिंग बजट बायर्स को एटलीस्ट हैरियर का एक्स टी वेरियंट लेना चाहिए एक्स टी प्लस वेरियंट में एक्स टी के सभी फ़ीचर्स के साथ सनरूफ भी आती है इस वेरियंट पे अपग्रेड रीजनेबल है और आप ये अपग्रेड कर सकते हैं एक्स टी के ऊपर एक्जेड और एक्जेड प्लस वेरियंट्स में कई सेफ्टी और गुड टू हैव फीचर्स आते हैं और ये वेरियंट वैल्यू वाइज सेंसिबल है जो बायर्स एक्स टी के ऊपर अपना बजट स्ट्रेच कर सकते हैं उन्हें एक्जेड वेरियंट ज़रूर कंसिडर करना चाहिए हैरियर ऑटोमेटिक के केस में एक्सएम सबसे अफोर्डेबल वेरियंट हैरियर एक्सएम ए की प्राइस रेंज के बेसिस पे इसका फीचर सेट बहुत बेसिक है तो हम सभी बायर्स को एक्जेड ए वेरियंट पर अपग्रेड रिकमेंड करेंगे मोर ओवर एक्जेड ए वेरियंट बेटर वैल्यू भी ऑफर करता है इसके ऊपर एक्जेड ए प्लस वेरियंट वैल्यू बाईज सेंसिबल है लेकिन इसमें मोस्टली फील गुड फीचर्स ही आते हैं तो इसे लेना या ना लेना या आपका डिसीजन होगा चलिए अब हैरियर के एक्सटीरियर कलर ऑप्शन देखते हैं जिसमें हम हैरियर डोल टोन डार्क एडिशन और कैमो के बारे में भी बताएंगे हेरियर में टोटल फाइव एक्सटीरियर कलर ऑप्शन आते हैं ग्रीन ग्रे रेड वाइट एंड ब्लैक ग्रीन कलर कैमो एडिशन में ही अवेलेबल है और इसके साथ ब्लैक एलॉयज ग्रे हेडलैम्प डिटेलिंग और ब्लैक इंटीरियर मिलेगा विद ब्लैक लिदरेड अप्री डार्क एडिशन में ब्लैक एक्सटीरियर कलर मिलेगा विद ब्लैक अलॉयज़ एंड ग्रे हेडलैम्प एंड स्किड प्लेट डिटेलिंग इसके साथ भी ब्लैक इंटीरियर मिलेगा विथ ब्लैक लेथरेड अप्री कैमो और डार्क एडिशन ये दोनों कलर ऑप्शंस एक्सटी एक्सटी प्लस XZ और XZ प्लस वेरिएंट्स में आते हैं XZ और XZ प्लस वेरिएंट्स में डुबल टोन एक्सटीरियर का भी ऑप्शन है इन सब कॉस्मेटिक अपग्रेड्स की कॉस्ट अराउंड ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ है एंड वी थिंक इट इज़ रीजनेबल हैरियर के सभी एक्सटीरियर कलर्स में से मुझे ये ब्लैक कलर में बेस्ट लगती है और इसी के साथ खत्म होता है ये वेरियंट्स एक्सप्लेन वीडियो वी होप इसे देखने के बाद आप हेरियर का राइट वेरियंट चूज कर पाएंगे अगर हैरियर से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हैं या हमारी वीडियोज़ के रिगार्डिंग सजेशनस हैं तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट वी थ्री कास्ट डॉट कॉम पर भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं